हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मेरे सामने दिख रही मोबाइल की पीसीबी या फिर लैपटॉप की पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि हम लोग मदरबोर्ड भी इसको बोल सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो या मोबाइल का मदरबोर्ड हो या लैपटॉप का, यानी कि कोई भी पीसीबी हो, इन्वर्टर, टीवी, किसी की सर्किट हो जैसे, तो वो किस चीज़ से बनी होती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि अगर हमें पीसीबी के बारे में अगर प्रॉपरली ढंग से पता होगा ना, तभी तो हम उस पर सही से वर्क कर तो उसको सही से रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं कि जो पीसीबी होती है वो तीन मटेरियल से बनी होती है। ओके, जिसे फर्स्ट नंबर जो है उसे हम लोग कहते हैं चालक, यानी कंडक्टर। कनेक्टर मतलब चालक, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है आसानी से, उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। अब चालक का क्या यूज होता है इस पीसीबी में, तो चालक की जैसे कि हम लोग बात करें तो चालक में आता है जैसे कि हमारा गोल्ड, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। अब आप खुद ही जान गए होंगे कि कॉपर एल्युमिनियम मैंने बोला तो क्या होता है, क्योंकि जितने भी वायर होते हैं हमारे घरों में या बाहर जो जिसमें लाइट चलती है, तो क्या होता है विद्युत धारा यानी वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तार के थ्रू। तो अब इस पीसीबी में भी वही रीजन लागू होता है कि अगर हमें चार्जिंग कनेक्टर से सप्लाई पहुंचानी है बैटरी कनेक्टर तक, तो क्या होगा, हमें वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो पीसीबी होती है वो मतलब कि सर्किट इनबिल्ट होती है उसमें सर्किट, तो कॉपर जो होता है वो अंदर ही अंदर सर्किट के थ्रू बैटरी कनेक्टर या जो भी जहाँ से कनेक्शन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर या डेटा ले जाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते भी हैं, जैसे कि सिम कनेक्टर के जो ये पॉइंट दिख रहे हैं सिम कनेक्टर के, तो यहाँ पर क्या है कि ये कॉपर के पॉइंट दिए गए हैं कॉपर के, ताकि ये सिम में जो है वो कनेक्ट हो सके। ओके, ऐसे आप देख सकते हो बैटरी कनेक्टर, तो बैटरी कनेक्टर पे क्या है, ये कॉपर के पॉइंट हैं कॉपर के, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए। अब अगर जो इसके बगल में अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है वो बैटरी से बैटरी कनेक्टर पे नहीं जाएगा और मोबाइल जो है वो ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चालक। अब कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिनमें एल्युमिनियम का यूज होता है, जैसे कि आप देख रहे हो लैपटॉप की जो ये पीसीबी है, इन पे देखो ये रैम कनेक्टर के जो नीचे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, थोड़ा जूम करते हैं, ये किसके हैं, एल्युमिनियम के। तो क्या है, पीसीबी में कनेक्टेड होते हैं कनेक्टर के, ये बैटरी कनेक्टर के जो हैं ये कॉपर के, ऐसे वाईफाई कनेक्टर के ये कॉपर के हैं। तो आप समझ सकते हो कि कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इन कनेक्टरों में, यूएसबी पोर्ट के अंदर जो पिनें होती हैं उनमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। कॉपर का मतलब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या फिर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कॉपर या एल्युमिनियम के का यूज़ होता है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीबडी, कोई भी पीसीबी में। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड। इतना क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, यानी कुचालक। इसका काम क्या होता है, बेसिकली करंट को रोकने के लिए। जैसे कि आपने इंसुलेटर देखा होगा कि क्या, जो लाइट के जो खंभे होते हैं उनमें जो गोल गोल देखे होंगे आपने, चीनी मिट्टी के जो लगे होते हैं, उससे क्या होता है वायर बंधे होते हैं और जो दूसरा वायर होता है वो खंभे से, ताकि जो करंट है वो खंभे में ना सके। इस तरीके से बहुत से इंसुलेटर धातुएं हैं, पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि हम यूं कह सकते हैं ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होती है, उसका विरोध करता है विद्युत धारा को, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। तो आप कुचालक का मतलब समझ गए यहाँ पे कि जैसे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक लगी हुई यहाँ पे, रबड़ हो गई जाके, तो प्लास्टिक का क्या काम है। अगर इसी कैंटर की अगर हम बात करें, अगर इसमें अगर प्लास्टिक अगर नहीं लगी होगी तो क्या होगा, अगर हम इसको एल्युमिनियम या लोहे का बना देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस सारे के सारे एक ही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लैपटॉप या मोबाइल आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप समझ गए कि प्लस और माइनस को अलग कर, मतलब कि दोनों एक ही ना हो पाए, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और जो ये पेंट दिख रही है जिससे ये मदरबोर्ड का कलर है ग्रीन कलर का, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्योंकि इस पर प्रिंट किया जाता है। अंदर ही अंदर इसके लाखों की तादाद में वायर जो होते हैं कॉपर के,
वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं, या सीपीयू से या रैम से, कहीं से भी कनेक्टेड हो, लेकिन ऊपर से क्या कर दिया जाता है, इस पर पेंट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ताकि जो सर्किट है उस पर डस्ट वगैरह, अगर धूल वगैरह जम जाएगी और अगर कहीं से भी अगर उसके अंदर नमी आ गई तो प्लस माइनस को जो है वो एक कर देगा और जो आपकी पीसीबी है यानी कि जो डिवाइस है वो सॉल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि चालक का क्या यूज़ होता है, चालक यानी कि कॉपर एल्यूमिनियम का मोबाइल की पीसीबी में, और कुचालक का क्या यूज़ होता है। चालक का काम होता है करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करना, और कुचालक का काम होता है कि उस में जो करंट है जो प्लस माइनस को अलग अलग करना, ताकि जो पीसीबी है वो शॉर्ट ना हो जाए। जैसे कि हम लोग घरों में भी देखते हैं, जो हमारे घर में वायर होते हैं तो अंदर तो जो होते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, दात होती है, ऊपर से क्या होती है प्लास्टिक या रबड़ उसके ऊपर चढ़ी होती है कि जिससे कि हम लोगों को करंट नहीं लगता है। ओके, बात आ रही समझ में? ताकि और जो है वो शॉर्टिंग भी नहीं इसके अंदर होती है। तो इतना क्लियर। अब हम बात करेंगे जो ये कंपोनेंट लगे होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। इतने भी कंपोनेंट है, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप की पीसीबी हो, किसमें जो ये कंपोनेंट दिख रहे हैं हमको, छोटे बड़े या आईसी दिख रही हैं, ये आईसी जो होती हैं वो किस मटेरियल से बनी होती हैं। तो जो ये मटेरियल होता है उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और नहीं भी होती है। तो यानी कि अब जो अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक है, नहीं होती है तो कुचालक। तो हम लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि सामान्यतः पर इनमें ये कुचालक की तरह काम करते हैं, और जब भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स यानी कि हीट या टेम्परेचर इनको मिलता है तो ये चालक बन जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। यानी कि जो जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं ये सारे के सारे आईसी, क्वाइल, फ्यूज, ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉस्फेट जो भी हैं ये सारे के सारे अर्धचालक से बने होते हैं। अब अर्धचालक में कौन कौन से तत्व आते हैं हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आते हैं। ओके, अब कार्बन तो आपने देखा हुआ, जैसे कि हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं, पेंसिल आपने देखी, खूब यूज की होगी। तो पेंसिल के अंदर जो एक रॉड पड़ी होती है उसको कहते हैं हम कार्बन। अब उसमें क्या होगा, अगर उस रॉड को अगर बाहर निकाल लें तो अगर हम एक सिरे से अगर उसको करंट अगर दें तो दूसरे सिरे पे करंट नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि कुचालक की तरह काम करेगी। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा हीट कहीं से मिल जाए तो पूरा का पूरा करंट दूसरे साइड पे उसके मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो चालक हो, जो अर्धचालक होते हैं उनसे ही सारे के सारे जो कंपोनेंट बने होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीविटी, कोई भी पीसीबी होती है उसमें चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग समझ सकते हैं कि पीसीबी सिर्फ तीन मटेरियल से बनी होती है, पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक का काम होता है करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कुचालक का काम होता है कि उस जो शॉर्टिंग है, प्लस माइनस या लाइनें हैं वो अलग अलग रहें। चालक में आते हैं कॉपर यानी कि एल्युमिनियम और तुम्हारा रांगा। अब रांगे का यूज क्यों किया जाता है सोल्ड में, क्योंकि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का भी यूज किया जा सकता है। तो सिंपली से एक बात समझनी, क्योंकि जो रांगा होता है उससे क्या करते हैं, हम कंपोनेंटों को सोल्ड करते हैं, जंपर लगाते हैं। तो उससे होता क्या है, होता यह है कि जो कॉपर का है वो गलनांक कम होता है, इसलिए हम आयरन से किसी भी कंपोनेंट को सोल्ड कर सकते हैं या जंपर लगा सकते हैं। जबकि एल्युमिनियम या कॉपर का गलनांक हाई होता है, वो बहुत देर में गलता है, तो उसके लिए हमें जिसे हम कहते हैं गैस बिल्डिंग, उसकी ज़रूरत पड़ेगी टांका लगाने के लिए या सोल्ड करने के लिए। तो इसलिए रांगा का यूज़ किया जाता है, कि क्योंकि रांगा भी जो होता है वो चालक होता है और उसका गलनांक कम होता है, इसलिए रांगे का यूज़ होता है। बात करते हैं इसके कुचालक की, कुचालक में आते हैं प्लास्टिक है, पेंट है, इसलिए ताकि पेंट जो है ऊपर से कर दिया जाए ताकि जो सर्किट है वो अच्छी तरीके से ढक जाए। प्लास्टिक का यूज इसलिए होता है कि ताकि जो कनेक्टर है अगर उसमें अगर प्लस माइनस की सप्लाई है या सिग्नल की है तो तीनों की तीनों या चार की सप्लाई वो एक ही ना हो जाए, इसलिए प्लास्टिक का यूज होता है और कनेक्टर भी आसानी से बन जाते हैं। और जो तीसरा है वो उसे कहते हैं अर्धचालक। जो अर्धचालक है उससे जो है ये कंपोनेंट आईसी वगैरह जो होती हैं ये बनी होती हैं, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन का मिश्रण होता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कोई भी पीसीबी यानी मदरबोर्ड है किसी भी डिवाइस का, तो वो तीन मटेरियल से बना होता है।
चालक कुचालक अर्ध चालक से। तो अब हमको पीसीबी के बारे में बेसिकली जो जानकारी हो है वो पूरी की पूरी हमको हो चुकी है कि जितनी भी पीसीबियां हैं उनमें सब में ये पेंट कार्बन ये क्यों लगा होता है। ओके, तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक कंपोनेंट के बारे में, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, उसे निकालना कैसे, लगाना कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।